ये स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले हम देख चुके थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कैसे करना है, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक या दो वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसका। देखो सभी, आप अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये पूरा एंगल है इसका, इसको आपको लिखना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट इसको, तो इसको रिड्यूस करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी उसमें लिखना है। इन क्वेश्चंस का एडवांटेज ये भी है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेरिवेटिव में यूज होंगे। जैसे क्वेश्चन बोल देगा फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करते हैं वहां पे भी, और बाद में उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कैसे करना है। इसका रूल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ऐसी फॉर्म आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या पुट करना है, यू हैव टू पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। यहां पे ए की वैल्यू 1 है, तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा स्टूडेंट, वन मोर थिंग, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी, सेकंड पार्ट सॉरी, फर्स्ट तो हमने लाइव क्लास में किया था, सेकंड पार्ट जो आपको मैंने दिया था उसमें फॉर्मूला लिखवाया था आपको साइन 3x का, दैट इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, उस वीडियो में आई थिंक मैं 4 को लिखना भूल गया था स्टूडेंट्स, वहां पे आपको वीडियो लिखा गया था 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x, ये गलत है, अभी थोड़ा ठीक कर लेगा उसको, वहां पे क्या आएगा 4 साइन क्यूब x। ओके चलो, यहां क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू टेन थीटा, अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों पुट किया वो समझ आ गया सभी को, कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आती है तो पुट करना है x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा, और यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं तो क्या आएगा, टेन इनवर्स x, क्योंकि थीटा आप खुद एज्यूम कर रहे हो, बाद में आपको थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में आना चाहिए आपके पास। तो जैसे पुट करते हैं तो बताओ क्या आएगा, tan इनवर्स यहां पुट करो अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। क्लियर, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, इट बिकम tan इनवर्स अंडर द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बिकम secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, इट बिकम tan इनवर्स secant स्क्वायर थीटा बिकम secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, secant कैन बी रिटन एज 1 बाय cos और tan लिखा जा सकता है sin बाय cos, तो इट बिकम tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा बाय cos थीटा। इससे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि स्टूडेंट देखो साफ नजर आ रहा है, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1 माइनस कोस, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर आपका लेफ्ट बचेगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसको अगर चेंज करना हो, आपको साफ पता है 1 माइनस कोस जब भी नजर आता है तो आपका एक फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का, और उसमें 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। स्टूडेंट ये फॉर्म वैसे ही आप दिमाग में रखना, जब भी 1 माइनस कोस आता है उसे हम क्या लिखते हैं, आपको मैंने 11th में बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कैसे आया था वो आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं ऑलरेडी, और 1 प्लस कोस को लिखते हो आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा साइन कोस में लिखना है तो 2 साइन थीटा बाय 2 बन जाएगा कोस थीटा बाय 2, हाफ एंगल में 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो इट बिकम tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। मैं यहां कर देता हूं स्टूडेंट्स, इट बिकम tan इनवर्स sin थीटा डिवाइड बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, इट बिकम tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan हट जाएगा स्टूडेंट्स, यू आर लेफ्ट विद थीटा बाय 2, क्या बच गया स्टूडेंट, थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, tan इनवर्स x, तो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू मैंने पुट की tan इनवर्स x, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 बाय 2 tan इनवर्स x
मतलब जो वैल्यू इसकी होगी स्टूडेंट्स वही वैल्यू सेम किसकी रहेगी, 1 बाय 2 tan इनवर्स है। देखो सिंपलीफाइड फॉर्म मिल गई मुझे बिल्कुल। आगे मैं डेरिवेटिव वगैरह करूंगा, इसका डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है स्टूडेंट फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो सिंपलीफाइड फॉर्म हमारे पास बहुत एडवांटेज देती है डेरिवेटिव के अंदर भी। समझ आया स्टूडेंट क्वेश्चन सभी को? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन को आपको लगाना है, कौन सी फॉर्म है उसमें क्या पुट करना है वो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस cos x / 1 प्लस cos x। क्वेश्चन कहता है इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो। देखो चलो करते हैं सॉल्व। आपको मैंने स्टूडेंट अभी बताया था डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुकी है इसकी कि tan इनवर्स अंडर द रूट, देखो ये एंगल में है सारा, 1 माइनस cos को हम लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा x / 2, क्या हो जाएगा x / 2, और 1 प्लस cos क्या होता है स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर x / 2। बताने की जरूरत तो नहीं किसी को आई थिंक इसको कि क्यों आ रहा है। ठीक है 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स क्या बच गया स्टूडेंट्स अंडर द रूट sin स्क्वायर थीटा / 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा / 2। मैं कुछ स्टेप कम लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास कम स्पेस है स्टूडेंट, आपको डिटेल में करूंगा सारी चीजें। साइन स्केयर थीटा बाय टू अपॉन कोस स्केयर थीटा बाय टू क्या होता है स्टूडेंट्स टेन स्केयर एक्स बाय टू, और ये किसमें है आपके पास रूट में, अंडर द रूट साइन स्केयर बाय कोस स्केयर, साइन बाय कोस टेन और स्केयर आपके पास। और हमें पता है स्टूडेंट्स स्केयर और टेन एलिमिनेट हो जाएंगे, स्केयर रूट और टेन सॉरी स्केयर और रूट, इट बिकम टेन एक्स बाय टू। tan इनवर्स से tan हट गया, यू आर लेफ्ट विद x by 2। ये क्या है इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता आपके पास तो सिंपल से एडवांटेज डेरिवेटिव में कैसे यूज करना है। अगर मान लो क्वेश्चन बोल देता y equal to tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस cos x / 1 प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव करो। आप साफ नजर आएगा डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे क्या आंसर आएगा x / 2, एक ही बात इसको सिंप्लीफाई तो किया है। अब इसका डेरिवेटिव करना स्टूडेंट्स dy / dx तो कितना आएगा 1 / 2 x का डेरिवेटिव 1, ये आंसर आ गया। देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म का डेरिवेटिव करना बहुत आसान होता है। ठीक है इसीलिए इन क्वेश्चनों पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म देख रहे हैं हम, बाद में इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे डेरिवेटिव के अंदर, जहां आपको सिंप्लीफिकेशन करना है उसके बाद उसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स सभी को? मैंने एक दो स्टेप बीच में छोड़ दिए पर बता दिया आपको कैसे करना है, तो आप उसको डिटेल अपने आप करोगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन हमने ऐसे 11th में कराया था आपको, देखो जब भी कोई फॉर्म नजर आए cos sin प्लस माइनस का चेंज आ रहा है कुछ ना कुछ। देखो स्टूडेंट जब भी ऐसे कोई फॉर्म नजर आए ना आपके पास, जैसे a cos x प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन ए, या कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी दे सकते हैं सी कोस एक्स माइनस प्लस डी साइन एक्स, कुछ भी दे ऐसा कुछ फॉर्म, साइन कोस की फॉर्म में होगा प्लस माइनस चेंज होगा। जब भी ऐसी फॉर्म नजर आए आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है डिनोमिनेटर के स्टार्टिंग में कोस वाली वैल्यू जो भी लिखी हुई है उससे आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में जो कोस वाली टर्म्स है स्टार्टिंग वाली इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है पूरी कंप्लीट, इससे आपने क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है। चलो करते हैं डिवाइड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कोस एक्स, तो जब मैं कोस को कोस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। ठीक है करो कोस बाय कोस 1 माइनस साइन बाय कोस 10 एक्स। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, cos by cos 1 plus sin by cos 10x। ये समझ आया था सभी को? हमेशा जब भी ऐसी फॉर्म नजर आती है जो भी यहां मेंशन है cos के साथ cos वाले टर्म, इस टर्म से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कंप्लीट क्या कर दो हमेशा डिवाइड कर दो। अब ये फॉर्म बन के स्टूडेंट देखो इसको कैसे लिखते हैं 1 minus 10 by 1 plus 10, कहीं बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, फॉर्मूला देते हैं कि आप पुट कर दो 10 pi by 4 minus x, बट समझो वो क्यों आया है, एक फॉर्मूला बनाया क्यों गया है। देखो 1 यहां 10 x है, मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करो 1 की वैल्यू क्या होती है 10 में पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1। अगर मैं इस 1 और इस 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिख दूं
लिख दूं 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इनटू 10x, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये भी 1 है, ये भी क्या है 1, सेम इक्वेशन रहेगी। ऐसा क्यों किया गया स्टूडेंट्स? हमें पता होता है कि 10x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इनटू 10y। देखो फॉर्मूले में ये दोनों सेम है, यहां भी ये दोनों सेम थे, यहां 1 आ रहा है यहां भी 1 आ रहा है, बस ये दोनों भी टर्म्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं इसलिए इन दोनों की जगह 1 की जगह पुट कर दिया 10 पाई बाय 4। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो ध्यान से प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप याद रहेंगे ये चीजें। तो फॉर्मूला बेसिक चाहिए याद ना रहे स्टूडेंट्स, हमें ये याद जरूर याद रहेगा कि हमें इन दोनों 1 की जगह क्या लिखना है, 10 पाई बाय 4 लिखना है। 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इनटू 10y, फॉर्मूला क्या बन गया, 10 पाई बाय 4 माइनस x, ये दोनों एलिमिनेट हो गई, यू आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 माइनस x। यही हमारी क्या स्टूडेंट्स, सिंपलीफाइड। क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स? दो फॉर्म यूज हुई है इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी कोसाइन कोसाइन वाली फॉर्म्स आए तो डिनोमिनेटर में जो स्टार्टिंग में है उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, हमेशा उससे 10 की फॉर्म बनेगी। और जब भी 10 की फॉर्म नजर आए, इस 1 को इस 1 को क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4, ताकि 10 का फॉर्मूला बन जाए आपके पास। जैसे फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स से 10 हट गया, यू आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 माइनस x, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन गई स्टूडेंट्स, पाई बाय 4 माइनस x बन गई। प्रैक्टिस करना सुन इसको, दो या एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान चीजें हैं, कभी नहीं भूलोगे इनको। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 10 इनवर्स x / अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है इसको। देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नजर आ रहे हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया था जब भी ये फॉर्म नजर आए क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a sin थीटा या फिर a सॉरी हाँ a sin थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों से आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, a sin थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a sin थीटा। जब आप x इक्वल टू a sin थीटा पुट करोगे देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से क्या बनेगा, इट बिकम tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्केयर माइनस, यहां पे x का स्केयर है तो इसका स्केयर हो जाएगा, इट बिकम ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। इट कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय, देखो यहां से ए स्केयर कॉमन आएगा, ए स्केयर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। इट कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय, देखो ए स्केयर रूट से बाहर क्या आ गया, ए 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर इज कोस स्केयर, और जब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, ये क्या बच गया स्टूडेंट, इट बिकम टेन इनवर्स साइन बाय कोस इज टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद थीटा ओनली, क्या बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स, थीटा। अब प्रॉब्लम ये है थीटा हमने खुद एज्यूम किया था, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां से निकालो थीटा की वैल्यू, जहां पुट किया था यहां से स्टूडेंट साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा x अपॉन a, देखो साइन थीटा कितना आएगा, x अपॉन a, और यहां से थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x बाय a, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपका आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स x बाय a। ये फॉर्म नजर आया स्टूडेंट मुझे, इस फॉर्म को देख के पता लग गया मुझे क्या पुट करना है, a साइन थीटा, जैसे मैंने a साइन थीटा पुट किया इसको सिंपलीफाई किया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी, जो हमने पुट किया था जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था एज्यूम किया था वहां से थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दिया, वी गेट द सिंपलीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन क्लियर हो गया।